यूपी के अंबेडकर नगर में बाम सेफ का प्रदर्शन, जाति आधारित जनगणना कराने के साथ ईवीएम बैन करने की मांग, डीएम को दिया ज्ञापन, जाति आधारित जनगणना ईवीएम हटाओ और बढ़ती महंगाई सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर बाम सेफ ने 25 मई को भारत बंद का आह्वान किया था। इसी के तहत बाम सेफ भारत मुक्ति मोर्चा अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को अकबरपुर पुरानी तहसील से नई सड़क शहजादपुर बसखारी रोड होते हुए कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। रैली के बाद जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की। भारत मुक्ति मोर्चा पार्टी के देवेंद्र प्रताप ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण महंगाई लगातार बढ़ रही है। सरकार डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ा रही है। साथ ही सरकार पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकार को समाप्त करना चाहती है, इसीलिए जाति आधारित जनगणना नहीं करा रही है। वहीं दूसरी तरफ ईवीएम सरकार की सुरक्षा कवच हो गई है। जनता वोट सरकार के विरोध में देती है, लेकिन भाजपा ईवीएम से खेल खेल कर चुनाव जीत रही है। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने मांग किया है कि महंगाई को सरकार कम करे, जाति आधारित जनगणना कराए, ईवीएम पर बैन किया जाए। इसके अलावा एससी एसटी ओबीसी के लिए निजी क्षेत्र में भी आरक्षण मिले। इस प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने सीएम को संबोधित ज्ञापन डीएम को दिया। जनपद अंबेडकर नगर से रामतिलक विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट।